उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में वन विभाग के हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन, डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए डीजीपी अभिनव कुमार संगड़वाल, आयुक्त विनय शंकर पांडे, गृह सचिव सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बैठक आयोजित कर वनाग्नि के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एक्शन प्लान के तहत वनाग्नि के निराकरण करने की बात कही गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये तो एक सप्ताह का टाइम सीएम साहब ने ही परसों दिया था, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोगों ने बैठक की कि जो निर्देश दिए थे वो सारे कंप्लायंस हो जाएं, तो उन सब में कंप्लायंस हो रही है। एक सप्ताह का टाइम है, हम लोग ये कह रहे हैं कि एक सप्ताह में वन अग्नि को कंट्रोल किया जाएगा उत्तराखंड में। ये सभी लोग मिल के समन्वित प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अभी आपने कहा ना कि जिम्मेदारी किसकी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये मानव जनित समस्या है। तो जो लोग इस तरह से आग लगा रहे हैं जंगल में, उनके बारे में थोड़ा जागरूकता मीडिया में भी आनी चाहिए। और जो रील बनाने के लिए लोग आग लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत अजीब सी विकृत मानसिकता हो गई है कि हमें रील बनानी है तो हम जंगल में आग लगा के फिर अपनी रील बना रहे हैं कि देखिए हमने कितना बड़ा काम किया कि हमने आग लगा दी। तो ये तो बहुत ही एक क्रिमिनल मानसिकता सामने आ रही है। तो आप लोगों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि ये बहुत गलत है, क्योंकि वन हम सबकी संपदा है। अगर कोई वन में आग लगा रहा है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। तो आप लोग भी इसमें जागरूकता में सहयोग करेंगे, यही हम लोगों का अनुरोध है।